पंजाब में सियासी पारा चढ़ा और गढ़ा दोनों है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा यह साफ हो चुका है। दरअसल सियासत में सब कुछ जायज होता है, यह हम नहीं कह रहे हैं। आज पंजाब के नए सीएम के नाम पर मुहर लगने के साथ साथ इस पर भी मुहर लग गई और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब का कैप्टन बदल दिया गया है और अब पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। हालांकि चुनाव में कुछ ही समय बचा है, जो चरणजीत सिंह चन्नी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और कई नामों को लेकर दिन भर की चली उठा पटक उस वक्त समाप्त हो गई जब पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने चरणजीत सिंह चन्नी को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री की कमान सौंपे जाने का ऐलान कर दिया। और आज की खास चर्चा का विषय भी यही है, लेकिन चर्चा पर जाने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब में सियासी घमासान खत्म हुआ है या शुरू हुआ है, इसका अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल होगा। सियासत में कोई किसी का नहीं होता, इसका जीता जागता उदाहरण पंजाब में चुने गए नए नवेली सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद तस्वीर साफ होती नजर आ रही। कभी जयभीरु की जोड़ी को फेल करने वाली चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जोड़ी 2017 तक आते आते मानो शोले फिल्म के गब्बर और ठाकुर की तरह बदल गई। 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के धुर विरोधी चरणजीत सिंह चन्नी हो गए। फिलहाल विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब वो पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। कार्यकाल भले ही छोटा हो, लेकिन सीएम के लिए उनके इरादे बुलंद नजर आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी का जन्म 1 मार्च 1963 को हुआ था। वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चमकौर साहब सीट से कांग्रेस के विधायक हैं चरणजीत सिंह चन्नी। वे दलित समुदाय से आते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के धुर विरोधी कहे जाते हैं। कभी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत खास हुआ करते थे। 2017 में चन्नी उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। चन्नी डाउन टू अर्थ नेता कहे जाते हैं। सिख फेस भी हैं, इस नाते पार्टी उन पर दांव आजमा रही है। हालांकि ये काफी अप्रत्याशित रहा, क्योंकि 19 तारीख की शाम तक इस रेस में सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे चल रहा और इसी बीच खबर आई कि रंधावा राज्यपाल से मिलने भी गए और फिर अचानक हरीश रावत का ट्वीट आ गया कि चन्नी नए सीएम होंगे। इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी का नाम भी सीएम पद के लिए उछला था। फिर उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया कि उन्हें सीएम का ऑफर हुआ, लेकिन इसके बाद उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उनका मानना है कि सिख को ही पंजाब का सीएम होना चाहिए। And Mr. Harish Rawat, the General Secretary, is going to give a letter saying that the Congress Legislature Party, because you know the exercise went on since yesterday, has elected a leader of the Congress Legislature. Sir, ma'am, 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद से ही मुख्यमंत्री के नाम पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। 18 तारीख की शाम 5 बजे ही कांग्रेस विधायकों की बैठक थी, लेकिन इसके बाद कोई नाम नहीं निकला। करीब 1 घंटे की बैठक के बाद बाहर आकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और अजय मकान ने मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि नए सीएम को चुनने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ा गया है। अजय मकान ने बताया कि विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह की चलाई सरकार की प्रशंसा करने का भी प्रस्ताव पास हुआ। मीडिया से बात करते हुए नेता फिर से बैठक में चले गए थे। अब करीब 24 घंटे के सस्पेंस के बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले सुनील जाखड़ भी मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन सिख फेस की बात आने पर उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई और बोले सोनिहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया। तो ये दो प्रस्ताव पास हुए हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास। हमने पंजाब कांग्रेस की जो इच्छा थी वो पहुंचा दी है और हम उनके निर्णय जैसे हमारे पास आ जाएगा हम आपको खबर करेंगे। यहाँ रिजॉल्व किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ के लेजिस्लेचर की तरफ से नाम चयनित करेंगे। ये देखिए,
हमारे यहाँ कहावत है कि जो चीज़ सामने दिखाई देती है और अच्छी की प्रशंसा करनी चाहिए, और पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी और सबने एकजुट होकर महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया। आप ये अंदाज लगा लीजिए, बहुत कुछ छपता था, बहुत कुछ सुनाई देता था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुखजिंदर रंधावा के नाम को लेकर आम राय बनाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन कुछ विधायक रंधावा का विरोध कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक सुखजिंदर सिंह रंधावा को सीएम बनाए जाने का विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण चन्नी के नाम पर मुहर लग गई है। साथ ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का खास बताया था, साथ ही कहा था कि वो वाजवा के भी खास हैं। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस, वो कांग्रेस पार्टी का फैसला जो मर्जी करें, उनको 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 पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाएं, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है इसका इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे सपोर्ट पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। फिलहाल पंजाब के नए सीएम के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर घोषणा हो गई है और अब वो शपथ ग्रहण करेंगे। पंजाब के नए नेतृत्व में इस बार दो डिप्टी सीएम होने की भी संभावना जताई जा रही है। भारत भूषण आशु और अरुण चौधरी राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि छोटे कार्यकाल के बाद नए सीएम के बड़े इरादे कितने कारगर हुए। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। तो अब पंजाब को नया कप्तान मिल गया है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं कि वसीम राजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और इसके साथ ही साथ अमित कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, संवाददाता हैं जो चंडीगढ़ से सीधे लाइव जुड़ेंगे, और सहयोगी हमारे साथ अमल हैं जो कि स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे कि पंजाब के नए कप्तान की तैनाती के बाद अब आखिर क्या कांग्रेस की कलह समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको परिचय करा दें एक बार फिर से। वसीम राजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं, सीधे लाइव हैं, और सहयोगी हमारे अमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे वसीम राजा जी, कांग्रेस की तकरार क्या भारतीय जनता पार्टी की अभी भी सत्ता पाने की अब जो चाहत थी वो बरकरार है उसी तरीके से, क्योंकि अब कांग्रेस को नया कप्तान मिल गया है पंजाब का और उसकी तैनाती भी कर दी गई है? देखिए योगेश जी, हम बात करें, चलो मुख्यमंत्री बदलना नहीं बदलना ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन अभी तक जो 4.5 वर्षों तक जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कल उन्होंने जो एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल खड़ा किया है, और सिद्धू को डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ और पाकिस्तान में इमरान खान के और बाजवा के करीबी बताना और उससे राष्ट्र को खतरा बताना, एक मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री कल तक थे अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस वक्त तक इनका ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कहती है। इसके ऊपर अभी तक ना तो सोनिया गांधी जी का कोई स्टेटमेंट आया है, ना राहुल गांधी जी ने अभी कुछ बोला है, ना ही प्रियंका गांधी जी का कोई बयान आया है, किसी भी व्यक्ति का कांग्रेस की तरफ से। ये इतना बड़ा सवाल खड़ा करता है, सवाल के ऊपर सबने चुप्पी साध रखी है, इस चुप्पी को किस नजरिए से देखा जाए। आज देश के अंदर आज जो मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर जो एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब का एक बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, और उस जगह पे अभी नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनके माध्यम से पंजाब में उनके करीबी को मुख्यमंत्री बनाना, क्या राष्ट्र सुरक्षित है, क्या राष्ट्र के प्रति, क्या जो सवालात खुद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कोई छोटा नहीं आंकना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये मुख्यमंत्री बदलने से भी बहुत बड़ा सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बातें नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कही, ये कहां तक के इसके बारे में विचार करने योग्य बात है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। ठीक है, आपके लिए सवाल एक नया खड़ा हो गया है, लेकिन वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे वो भी आपके लिए बुरे थे। तमाम सारे जिस तरीके से आप बताते थे कि राज्य को बेहतर दिशा की ओर नहीं ले जाते, लेकिन जब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उसके बाद से वो भले इंसान हो गए हैं। सिद्धू भी पहले कितने करीबी थे ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उसके बाद अब आएंगे अमिताभ आपके पास आएंगे। क्या हलचल है, सियासी हलचल? आपने दिन भर पूरी पैनी नजर रखी है, अब तक का घटनाक्रम के अनुसार अब क्या आगे की घटना दिखती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर हम सुबह से बात करें, सुबह से दो नाम बार बार हाईलाइट किए जा रहे थे, जहां नवजोत सिंह सिद्धू और हम कहेंगे सुखजिंदर रंधावा, दोनों नाम बार बार उठ के आ रहे थे। कल की अगर हम बात करें, एक दिन पहले की हम बात करें, तो सुनील जाखड़ का भी नाम उठ के आ रहा था हिंदू चेहरे के नाम पे। पर अगर आज की बात करें, जब आज की सुबह समीक्षा शुरू हुई, तो सुनील जाखड़ कहीं ना कहीं साइडलाइन होते हुए नजर आए। सुबह सुबह जरूर उनके घर पे एक्टिविटी दिखी थी, पर दोपहर को आते आते वो पूरी तरह से साइडलाइन होते हुए नजर आए थे। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर रंधावा के बीच में ही कहीं ना कहीं सीएम की टक्कर रह गई थी। पर उसके बाद फाइनली जब शाम तक हम देखें, दोपहर में बात करेंगे, सुखजिंदर रंधावा के घर पे जैसे हम पहुंचे, वहां पे लोगों का तांता लगा हुआ था जो उन्हें बधाई देने पहुंचे हुए थे, पर उसमें सुखजिंदर रंधावा भी उस टाइम तक वो भी बोलते हुए नजर आए थे कि जब तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं होता है तब तक मैं किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं दूंगा, और मैं पार्टी का वर्कर और पार्टी हाईकमान के ऑर्डर्स की वेट कर रहा हूं ना सीधे तौर पे का। और करीब 4:30 बजे के करीब जब हरीश रावत ने ट्वीट किया कि उन्होंने जानकारी दी, ट्वीट करके जानकारी दी कि पंजाब के नए सीएम होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। देखिए, अब चरणजीत सिंह चन्नी दलित चेहरा है, ये एक पंजाब को अपना पहला दलित चेहरा मिलेगा। पर इसका एक और चीज है, नॉर्थ के पहले दलित, अगर हम कहें दलित सीएम होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। अब ये दो चीजें होगी। इसके अलावा अगर एक और चीज हम बात करें पॉलिटिकल एंगल से देखें, तो देखिए बीजेपी की तरफ से सबसे पहला वादा किया था कि हमारी तरफ से दलित सीएम होगा, वो कांग्रेस ने पहले ही प्रूफ कर दिया कि हमने अपना दलित सीएम पेश कर दिया। बीजेपी जहां एक कहते हुए नजर आ रही थी कि हमारा जब हम इलेक्ट होंगे हम जीतेंगे तो हम दलित चेहरे को रखेंगे, वही अकाली दल श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कहा गया था कि हमारी तरफ से डेप्टी सीएम दलित चेहरा होगा। तो उन दोनों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पहले प्रिमिटिव स्ट्राइक कर दिया है, हम कह लें कि उनके इलेक्शन आने से पहले ही एक वार कर दिया है। और लोगों को मैं ये कहें कि दलितों के लिए एक मिसाल दे दी है कि हमारे पास बिल्कुल ठीक बात कही आपने, जिस तरीके से एक बड़ा कार्ड खेला गया है सिख और दलित के साथ ही, जिस तरीके से अकाली दल की तरफ से ये कहा गया था कि वो दलित चेहरा को सीएम बनाएंगे, और उसी के साथ ही ये कांग्रेस की तरफ से एक नया कार्ड खेला गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना कार्ड ये सूटेबल बैठेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमल आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से अभी अमित ने बताई ये बात कि एक ये बड़ा कार्ड खेला गया है कांग्रेस की तरफ से, दलित और उसके साथ ही साथ सिख, तो क्या ये लगता है कि पंजाब में जिस तरीके से बसपा के साथ ही अकाली दल, ये देखते हुए क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा के साथ दलित जुड़ा हुआ है, इस बात को देखते हुए कांग्रेस भाग गई थी कि एक साथ ट्रम्प कार्ड ऐसा खेला जाए कि दोनों समुदाय को दुखी ना किया जाए और दोनों समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी बेहद सक्रिय नजर आ रही पंजाब में। जी बिल्कुल योगेश्वर, जिस तरीके से अभी हमारे रिपोर्टर ने भी हम तक ये जानकारी पहुंचाई कि दलित चेहरा है जो वो आगे आने वाले समय में आने वाला है, और उसके बाद यदि अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दलित समुदाय के लोग पाए जाते हैं, रहते हैं, और इसीलिए ये चीज़ कही जा रही थी लगातार कि आने वाले दिनों में दलित नेता यदि अगर बनाया जाता है, दलित चेहरा बनाया जाता है पंजाब के लिए, तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होगा। यही यदि अगर हम बात करें बीजेपी की, या फिर यदि अगर अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की भी बात करें, तो हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी भी राज्य की, चाहे सिर्फ पंजाब की बात हो, फिर उत्तराखंड की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, हर किसी ने राजनीति के साथ साथ जो है वो कास्ट के ऊपर भी अपने वोट बैंक को बनाने के लिए और उसको एक तरीके से वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए, लोभ लुभावन के लिए कहीं ना कहीं ट्रिक्स खेली हैं। और इसी वक्त जो इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में एक दलित किसी तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को बनाया जाना था, तो बीजेपी से जो है वो ट्रंप कार्ड जो है उसका छीन लिया गया है। इसीलिए मैं वसीम रजा जी से ये सवाल करना चाहूँगा कि अब आपके पास से तो ट्रंप कार्ड छीन लिया गया है, अब आगे के लिए आपके पास पंजाब की क्या कुछ रणनीति होगी? वसीम रजा जी,
देखिए योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हो या अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो, इन सभी ने दलित और वंचित समाज के साथ हर वक्त धोखा किया है। कभी भी ये किसी के साथ नहीं है। आज भी जो कांग्रेस सरकार द्वारा चरणजीत सिंह चन्नी को, जो एक दलित नेता है, उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये भी एक दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्या कांग्रेस ये ऐलान करती है कि अगर अगली बार कांग्रेस सत्ता में आती है तो नवजोत सिंह सिद्धू इनके मुख्यमंत्री नहीं होंगे, एक दलित जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? बहरहाल एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये अभी जो ये कार्यकाल बहुत छोटा दिया गया है सिर्फ दलितों को ठगने के लिए। उसके बाद मैं एक बात करूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आज ही नहीं, जब हम 2007 में सत्ता में आए थे अकाली दल के साथ गठबंधन में, उस वक्त भी हमने चौधरी स्वर्णा राम को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, जिसपे अकाली दल के अध्यक्ष और खुद सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने उसे डिनाय किया कि हम नहीं, हम किसी एससी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। उसके बाद फिर 2012 में जब दोबारा फिर हमारी कोलेशन की सरकार बनी, उस टाइम हमने भगत चुन्नी लाल जी को विधायक दल का नेता बनाया हमने पंजाब में, जबकि हमारे अन्य दूसरे वर्ग से भी, हमारे पास सिख भी विधायक थे, हमारे पास ब्राह्मण भी विधायक थे, हमने एक दलित समाज के नेता को विधायक दल का नेता अपना बनाया। उसके बाद बात चली है जब 2014 में जब हमारी सरकार बनी, पंजाब से हमारे दो सांसद थे, उसमें से दोनों में से अगर केंद्र में मंत्री बनाने की बात आई तो हमने विजय सांपला जी को केंद्र में मंत्री बनाया, एक दलित नेता को। फिर उसके बाद आप आ जाइए 2019 में ठीक है, गणित सियासी गणित को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां ये गोट बिछाती हैं और अपने अपने हिसाब से किस तरीके से वो वोट बैंक को अपने पाले में ला सकती हैं, उस हिसाब से उस वर्ग के लोग को सीट देती है। ठीक है, आपने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस क्या ये कह सकती है कि सिद्धू साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। क्या आप ये बताइए, किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये बताती है कि किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? लगभग राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में ऐसा ही होता है कि बिना फेस के मुख्यमंत्री फेस के चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। क्या होता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी यही कहती है ना कि ये अंदरूनी मामला है, पार्टी का मामला है। देखिए, हम कांग्रेस से ये नहीं कहते कि आप नाम बता दीजिए, आप कह दीजिए ना कि दलित सीएम होगा पंजाब का अगली बार। ये तो दलितों के साथ सिर्फ एक धोखा है, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाना एक सिर्फ छलावा है दलित समाज के साथ। क्या ये कह दे, हम नाम नहीं कहते, ये कहे ना दलित समाज का हम सीएम बनाएंगे, क्यों नहीं कहते? हमने तो कहा है ना, होता है। सर एक सेकंड, आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच में ये सवाल भी खड़ा होता है कि आपने अभी दो तीन नाम गिनाए, 2007 में जब आपकी कोएलिशन की सरकार बनी थी तब भी आपने ये चीज कहा है कि हमने वहां पर पुरजोर तरीके से विरोध किया था प्रकाश सिंह बादल का और उनके सामने ये नाम रखा था कि दलित समाज के जो है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो फिर जिस तरीके से आने वाले समय में जब कृषि कानून लागू हुए तो अकाली दल ने आपका साथ छोड़ दिया, तब आपने अकाली दल का साथ क्यों नहीं छोड़ा था? तब आपके लिए सत्ता प्यारी थी क्या? नहीं, सत्ता नहीं चाहिए थी। हमने हमारे पास जो हमारे विधायक दल का नेता हमने दिया ना, भगत चुन्नी लाल को हमने विधायक दल का नेता दिया, जो हमारे पास सर्वोच्च पद था, जो हमारे कोलेशन में गठबंधन में जो हमें बड़ा पद मिला, हमने जो बड़ा पद दिया हमेशा दलितों को दिया, दलित समाज को हमेशा आगे रखा, अग्रणी लाइन में रखा। तो ये करके तो दिखाए, हमने तो हर वक्त किया है, ऐसा नहीं है कि हम बात करते, हमने करके दिखाया है। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि पंजाब में हमारी सरकार होगी तो हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद ही सुखबीर सिंह बादल जी आते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर आज ये कांग्रेस वाले 6 महीने का दलितों के साथ छलावा करते हैं दलित सीएम बना के। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को की सोच पे, क्योंकि सबको पता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है दलित समाज के साथ हर वक्त खड़ी रही है और इस वक्त पंजाब के अंदर हर वर्ग और पंजाब का जो दलित वर्ग है वो सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और हम भारतीय जनता पार्टी 22 में सरकार बनाने जाएगी। क्योंकि आज जो ये जो प्रोपोगंडा इन्होंने किया है, बहुत सारे नामों की चर्चा चली सुबह से, आपने भी देखा, सबने देखा, लेकिन सबको पछाड़ का दौरा है और ना ही कोई सीएम चेहरा है, तो फिर किस आधार पर सरकार बनाने की बातचीत कर रहे हैं आप? कितनी जगहों पर आपके जितने भी नेता हैं उन्होंने कोई दौरा किया है, अपने काम गिनाए हैं? 17 तक के बीच में भी जो सरकार थी उसके काम नहीं गिनाए गए हैं, कौन किस आधार पर? मुझे तो ये समझने में दिक्कत होती है योगेश, कि आखिरकार किस आधार पर आप लोग ये चीज कह देते हैं कि हम आने वाले समय में पंजाब में सरकार बनाएंगे? कौन सी ऐसी विधानसभा क्षेत्र की सीट है जहां पर अभी तक आपने प्रचार किया है? योगेश,
बिल्कुल अमल सही कह रहे हो आप, वो अभी भारतीय जनता पार्टी हो, ठीक है आएंगे वसीम राजा जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अमित कुमार जी के पास चलेंगे। अमित कुमार, जिस तरीके से अगर ये देखा जाए तो कैप्टन और सिद्धू के बीच जंग, लेकिन अब पंजाब की जो कमान है वो अब चन्नी के पास होगी, चन्नी साहब देखेंगे, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे में पंजाब की जनता चन्नी साहब के संग होगी? क्योंकि जिस तरीके से जो बयान आया है हरीश रावत साहब का, उन्होंने कहा है कि चन्नी साहब भले ही मुख्यमंत्री होंगे लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा, अगला चुनाव जो होगा वो सिद्धू साहब के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, तो क्या माना जाए कि सेहरा अभी भी सिद्धू साहब के पास ही रहेगा? देखिए अगर हम कंसिडर करते हैं चेहरा किसका रहेगा, तो ये चरणजीत सिंह चन्नी के आज के बयान पे ही क्लियर हो जाता है। जैसा आप सुने कि जो पंजाब राजभवन से बाहर आए थे, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कल जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू या फिर पंजाब कांग्रेस प्रधान एक मीटिंग करेंगे और आगे के फैसले सुनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सीधा लीड या हम कहें कमान नवजोत सिंह सिद्धू को देते हुए नजर आ रहे हैं। पर यहाँ पे बात यह है कि एग्जैक्टली सारी कमान नवजोत सिंह सिद्धू को क्या दी जा रही है ये जरूर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी ये बात उठ के सामने आ रही है कि जो डिप्टी सीएम की पोस्ट है वो कहीं ना कहीं सुखजिंदर रंधावा को देने की बात की जा रही है। जी हाँ, दो डिप्टी सीएम के नाम फिर से सामने आ रहा है, वो एक सुखजिंदर रंधावा को देने की बात की जा रही है, जिनको साथ में होम मिनिस्ट्री भी दी जाएगी, जो कि अगर आप देखें आमतौर पर जो सीएम के पास होती है वो सुखजिंदर रंधावा को देने की बात की जा रही है। इस पर उन्होंने खुद कहा कि मुझे चाहे कोई ओहदा मिले या ना मिले, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे अगर किसी पोस्ट के लिए काबिल समझते हैं तो मैं उसके लिए डटा रहूंगा, और अगर मुझे कोई काम दिया जाता है या जो हमें टारगेट दिए गए उसे मैं जरूर हासिल करूंगा। तो यहाँ पे वो अपना एक स्टैंड देते हुए क्लियर नजर आ रहे हैं। देखिए अगर मैं चरणजीत सिंह चन्नी के अनाउंसमेंट से पहले, उनके सीएम अनाउंसमेंट उनसे पहले की बात करूँ, तो कोई एक पेज जो बहुत ज्यादा टफ कंटेंडर नवजोत सिंह सिद्धू का नजर आ रहा था वो सीधे तौर पे हम कह देते हैं सुखजिंदर रंधावा का था, और वहीं पे ये सुखजिंदर रंधावा अपना स्टैंड भी क्लियर करके उनके जितने भी मंत्री थे, जैसे जानकारी मिल रही थी कि लगातार उनके सपोर्ट में आए थे, पर एंड मौके पे या हम कहें कि एंड में जो कांग्रेस हवाई कमान है उन्होंने चरणजीत चन्नी को जो एक मेरे ख्याल से सेफर ऑप्शन समझते हैं उनको एक सेफर ऑप्शन चुना ताकि नवजोत सिंह सिद्धू भी नाराज ना हो, और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि सुखजिंदर रंधावा उनको भी शांत किया जाए। क्योंकि देखिए दो स्टेप में शांत किया जा रहा है, एक एक्सेक्ट फेस लगाया जा रहा है और दलित फेस, तो जो कांग्रेस की तरफ से एक डिमांड। लेकिन हमें सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से हरीश रावत जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो चेहरा होंगे, जो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो सिद्धू के चेहरे पर होगा, तो क्या ये उनके बयान से ये माना जाए कि सिग्नेचर चन्नी साहब के होंगे लेकिन पूरा काम देखेंगे सिद्धू साहब? ये काफी हद तक लग रहा है, ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि कहने के लिए अगर हम कहें कि चन्नी सीएम है, पर एक्चुअल में अगर सारी कमान हम बोलते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू के ही देख रहे हैं। पर सवाल ये उठा है, देखिए 3 महीने का समय है, इसमें चरणजीत सिंह ने अपना स्टैंड बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि कई डिमांड्स हैं, कई चीजें हैं जो उन्होंने प्रूव करनी है, और अगर वो लोगों के बीच में उतर पाते हैं, लोगों में अपनी इमेज उस हिसाब से बिल्डअप कर पाते हैं, तो ये बहुत इजीली हो सकता है कि भले ही नवजोत सिंह सिद्धू बैक पीछे से काम कर रहे हो, पर लोगों के लिए तो चेहरा अगर हम कहें चरणजीत चन्नी का ही सामने है, और ऐसे में बहुत इजीली ये पॉसिबल है कि कांग्रेस चरणजीत चन्नी को ही अगले 2022 इलेक्शन में फ्रंट कर दे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप नज़र बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो अब एक बड़ी चुनौती होगी चन्नी के साहब, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार इस बात के बयान आ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव सिद्धू के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, तो इसमें सवाल एक बड़ा यही उठता है कि आखिर क्या केवल सेहरा बांधने का काम किया जा रहा है और जो चेहरा होगा वो चन्नी साहब का होगा, लेकिन सेहरा जो बनेगा वो नवजोत सिंह सिद्धू के सर पर बनेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसीम राजा जी जुड़े हुए हैं लगातार। वसीम राजा जी सीधे आपके पास ही आएंगे, क्या लगता है कि कांग्रेस के इस नए चेहरे के बाद, पंजाब के नए मुख्यमंत्री मिलने के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान होगी या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी होती हुई नजर आ रही है? देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी है, ये चाहे जितने भी चेहरे बदल ले, लेकिन जो कांग्रेस के इनके अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो सवाल खड़े किए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, आप खुद देख रहे हैं उस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं है, उसके ऊपर कोई बयान नहीं आ रहा है कांग्रेस नेताओं का, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी बात रही है कि चाहे ये कोई भी फार्मूला लेके आ जाए,
पंजाब की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और पंजाब के अंदर कांग्रेस चाहे जो मर्जी बदल ले, अध्यक्ष बदल ले, मुख्यमंत्री बदल ले, चाहे दो डिप्टी सीएम लगा दे, जो मर्जी करे, पंजाब की जनता जो है जो पिछली बार जो छलावे किए थे, जो कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए गए थे, कोई भी वादा जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ। हर मुद्दे पे कांग्रेस फेल नजर आई है। तो ये अब चुनाव से छह महीने पहले अगर ये सत्ता में परिवर्तन करते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, सरकार के सारा, अरे साहब आप भी तो बदल रहे हैं ना, आप भी तो तमाम जगह बदल रहे हैं। आपने कहां कहां बदल दिया आपको नहीं पता क्या? आप भी तो बदल रहे हैं चेहरे। तो अगर कांग्रेस बदल रही है तो इसमें आपको दिक्कत कहां होनी चाहिए? कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस बदले, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल खड़े किए हैं, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे की बात की है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के हाथ में राज्य की कमान दी जाएगी क्या? देश के दुश्मनों से जो लोग मिलते हैं, जिन्होंने खुद इनके अपने नेता इनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस क्या ऐसे लोगों को कमान देगी क्या? राष्ट्र विरोधी लोगों को कमान देगी क्या? आज हमने देश के अंदर कई जगह मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन क्या हमने किसी भी जो व्यक्ति राष्ट्र की बात नहीं करता, क्या हमने कमांड उनके हाथ में दिया है क्या? हम राष्ट्र की बात करने वालों के हाथ में कमांड देते हैं। हम बार बार ये बात, लड़कियों की फटी हुई जींस के ऊपर कमेंट करता है, ऐसे मुख्यमंत्री को आपने दी है जगह? जो कई कई बार ऐसे बयानबाजी दे जाते हैं कि उनको दिल्ली तलब कर लिया जाता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे कुछ भी करे, बदलाव इनका अपने आंतरिक मामला है, बदलाव से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो सवाल आप कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खड़े किए, इस पे चुप्पी क्यों है? ये क्या राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? ये राष्ट्र के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है, पंजाब का एक बहुत लंबा लगभग 600 किलोमीटर का एरिया जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, हमारा बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर है। उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को पंजाब की कमांड देना, जैसा कि आपके अपने संवाददाता ही कह रहे थे कि चाहे चन्नी साहब मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, लेकिन उसको चलाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जो ऐसे लक्षण लग रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या वो किस तरीके से पंजाब को सेफ रख सकते हैं, देश को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं? ये चिंता का विषय है, इस पर गौर करने की जरूरत है। बाकी बात रही 2022 के चुनाव की, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू आए, चाहे कोई भी आए, पंजाब में दोबारा कांग्रेस आने वाली नहीं है। पंजाब से कांग्रेस मुक्त होगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे आज तक देश के साथ किए या किसी प्रदेश में किए, उन वादों पे बिल्कुल 100% खरा उतरे और अपनी बात को पूरी करके उन्होंने पूरा करके दिखाया उन्होंने। और पंजाब के साथ अभी तक सबने चला है, सबने पंजाब ने कांग्रेस को भी देख लिया, अकाली दल को भी देखा हुआ है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमांड देगी। यही बात तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, यही बात तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब की जनता ने सबको देख लिया है, लेकिन अब पंजाब की जनता जो है वो एक बार आम आदमी पार्टी को देख ले, यही बात तो वो भी दावा कर रही है, लेकिन पंजाब की जनता किसके साथ जाएगी? सबसे बड़ी बात इस बीच में ये है कि जिस अकाली सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, उसी के साथ में तो गठबंधन में सरकार गठबंधन थे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आएंगे वसीम साहब, आएंगे आपके पास अमल, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को भले ही मुख्यमंत्री बनाया गया है, और लेकिन जो पूरा कामकाज देखेंगे वो सिद्धू साहब देखेंगे, तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि कैप्टन साहब ने वास्तव में ये बड़े सवाल उठाए हैं और जो कि कांग्रेस को एक बार विचार करने पर मजबूर करेंगे। जी बिल्कुल योगेश, और जिस तरीके से कल से ही लगातार सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, आज तो बीजेपी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर यह निशाना साधा कि पार्टी आलाकमान आखिरकार इस चीज़ को लेकर कोई सफाई क्यों नहीं दे रही है, कोई बयान क्यों नहीं निकल कर सामने आ रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा बयान और इतना बड़ा आरोप किसी भी राज्य में कैसे लगाया जा सकता है। पीसीसी चीफ, यदि अगर एक मुख्यमंत्री की भी बात की जाए तो उससे भी बहुत बड़ी एक पोजीशन होती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव की पूरी दिशा और दशा पूरी तरह से वही तय करेंगे। तो यदि अगर एक राज्य के वो पीसीसी चीफ हैं और उनका सिलेक्शन किया गया है और आने वाले समय के लिए, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस आलाकमान को यकीनन सोचने की तो जरूरत है ही। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में मैं आपको इस बीच एक बात बताना चाहता हूं। जिस तरीके के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये चीज साफ तौर पर जाहिर करी थी, और लगातार ये बात भी निकलकर सामने आई, हमारे सहयोगी अमित ने भी अब तक ये बात पहुंचाई कि हस्ताक्षर जरूर उनके होंगे, लेकिन आने वाले समय में सरकार को चला कोई और ही
रहा होगा। इस बीच में कहीं ना कहीं यदि अगर कैप्टन अमरिंदर के बयान की बात कहें तो यकीनन कांग्रेस को इस बारे में विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आतंकवाद से भारत बहुत लंबे समय से लड़ता आया है, और यदि अगर आतंकवाद के बलबूते पर बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया या फिर आम आदमी पार्टी ने भी मुद्दा बना लिया तो कांग्रेस के लिए अपनी जमी को बचा पाना पंजाब में बेहद मुश्किल होने वाला है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से अगर चरणजीत सिंह चन्नी का अगर जिक्र किया जाए तो आज कैप्टन साहब ने उन्हें बधाई भले ही दी है, लेकिन अब जिस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं, जो नज़दीकियां हैं, जो दूरियां हैं, उनको देखते हुए क्या लगता है कि कैप्टन साहब पार्टी में रहेंगे या कहीं ना कहीं बगावत करने के, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से पहले भी बयान दे चुके हैं सिद्धू पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अगर ऐसे करते, अगर सिद्धू को चेहरा बनाया जा सकता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो खुल करके अपोज करेंगे, लेकिन नज़दीकियाँ ये किसी से छिपी नहीं है चन्नी साहब की, तो क्या ऐसे में अभी बगावत कर सकते हैं कैप्टन साहब? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस बीच में ये बात बताना चाहता हूँ, जब सुबह से दो तीन नामों का जिक्र लगातार हो रहा था, सबसे पहले सुनील जाखड़ का नाम निकलकर सामने आया, फिर उसके बाद सुखजिंदर जी का नाम निकलकर सामने आया, तो जब सुखजिंदर जी का नाम निकलकर सामने आ रहा था तब सभी लोग ये कह रहे थे कि नवजोत सिद्धू के वो बहुत ज़्यादा करीबी हैं, और फिर उसके बाद लगातार ये, क्योंकि हर जगह पर ये न्यूज़ जो है वो ब्रेक हो चुकी थी कि आने वाले समय में इन्हीं के नाम के ऊपर चर्चा होगी, आला कमान ने भी इस नाम के ऊपर मोहर लगा दी थी, ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी। हालांकि क्या कुछ अंदर 10 जनपद में पक रहा था इस बारे में किसी को भी खबर नहीं थी, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी कही जा रही थी कि जो सुखजिंदर जी जो हैं वो नवजोत सिद्धू के बहुत ही ज़्यादा करीबी माने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक खबर निकलकर सामने आई जहां होटल मेरियट में इन सभी विधायकों की मौजूदगी दर्ज की गई जिन्होंने उनके नाम के खिलाफ विरोध अपना दर्ज कराया। उसके बाद जब चन्नी जी का नाम निकलकर सामने आया तब आराम से सभी लोगों ने मिलकर इस बात के ऊपर मुहर लगाई, खुशी से नारेबाजी भी की और कहीं ना कहीं उनका स्वागत भी किया। तो आप ये चीज़ को देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में कैप्टन की राहें तो थोड़ी बहुत डगमगा जरूर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बयान दे दिया है कि मेरे लिए तो राजनीतिक रास्ते खुले हुए हैं, कैप्टन हमेशा से भी कांग्रेस के नहीं रहे, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कैप्टन अमरिंदर तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कि कांग्रेस में ही बहुत अच्छा कोई आने वाले समय में कोई एक स्थान हासिल करे, या फिर हो सकता है किसी और पार्टी का दामन भी थामे, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि पार्टी आला कमान या फिर कांग्रेस इस वक्त जो वहां पर प्रभारी भी मौजूद है, पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं उन लोगों की सिद्धू के साथ नजदीकी आने वाले समय में कैप्टन के लिए मजबूरी बन सकती है। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रत्नाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्नाकर सिंह जी। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो निर्धारित कर दिया, सबके सामने चेहरा ला दिया, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यही आरोप लगा रही है कि आपने चेहरा भले ही साफ कर दिया हो लेकिन चन्नी साहब के और सिद्धू साहब की नज़दीकियाँ जो हैं वो किसी से छिपी नहीं है। दूसरी बात कि जो बयान आया उस बयान में हरीश रावत जी ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री चन्नी साहब होंगे लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव सिद्धू साहब के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो क्या ऐसे में जिस तरीके से कैप्टन साहब ने सिद्धू साहब के ऊपर आरोप लगाए हैं उसका अभी तक कोई जवाब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नहीं आया है? भारतीय जनता पार्टी वो जवाब चाहती है। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाना जानती है, ये कोई काम करेंगे जब ही अगर 6 महीने के अंदर 4 मुख्यमंत्रियों को बदलेंगे, भाजपा शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्रियों को बदल देते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल देते हैं, पूरे के पूरे कैबिनेट को बदल देते हैं, बंगाल के पूर्व मंत्री टीएमसी में शामिल हो जाता है, और तो इनका जो है ये सब मास्टर स्ट्रोक रहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी वही अगर चुनाव से पहले अगर मुख्यमंत्री बदलती है, अगर वो 80 साल के ऊपर मुख्यमंत्री है बदलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो अलोकतांत्रिक है, इनके लोग जो बोलेंगे वो अलोकतांत्रिक है। तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि जो बदलाव किया जाता है वो आने वाले चुनाव को मद्देनजर के रख के किया जाता है। और देखिए कितनी अच्छी चीज किया है ये कांग्रेस पार्टी, हमेशा दलितों और शोषणों की राजनीति की है, वो अंतिम पत्ती में बैठे अंतिम व्यक्ति की राजनीति करती है, इसलिए उसने आज जो है पहला मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी को दिया है। तो ये तो एक अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम जो है दलित शोषण लोगों को आगे करने का काम किए। हमने तो
एक दलित आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो वहां पे गरीबों की दलितों की आवाज बनेगा, 35% आबादी जो है दलितों की है, तो 35% आबादी की आवाज बनेगा, तो इसमें इसमें राजनीतिकरण जो भारतीय जनता पार्टी करती है ये उनकी ओछी राजनीतिकरण है। ये कांग्रेस पार्टी जब करती है तो उसको ये अलोकतांत्रिक बताएंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी 6 महीने के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदल दे, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दे, तो ये इनके लिए मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जरा अपने गिरेबान आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जरा झांकिए, और आने वाले चुनाव में आप जो मुद्दे है ना वो मुख्य मुद्दों पे रहिए, रोजगार के मुद्दों पे रहिए, किसानों के मुद्दों पे रहिए। आप जो है ये किस पार्टी में अंतर कलह चल रहा है, इनके बीच अंतर कलह चल रहा है, वो सब छोड़िए, आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप अपनी पार्टी बचाइए। आने वाले चुनाव में जिस तरह से आप लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया है, जनता आपको सबक सिखाने वाली है। वसीम साहब, बड़ा सबक सिखाने वाली है जनता। कांग्रेस तो दलित वंचित पीड़ितों की पार्टी है और उन्हीं की सुनती है, जो वंचित लोग हैं दलितों का ख्याल रखती है, और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और चन्नी साहब को पंजाब की कमान सौंपी गई है। योगेश जी, मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता तो आके फटाफट आए, बहुत सारी बातें बोल के चले गए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। नहीं है, चले नहीं गए साहब जी, सुन लीजिए बात, आपने पूरी सुनी है, मैं बीच में नहीं बोला। देश के बच्चे बच्चे को ये पता है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए हैं, कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता ने, एक बहुत बड़े नेता ने, जो पंजाब में मुख्यमंत्री रहा, मुख्यमंत्री रिजाइन देने के बाद अभी दूसरा मुख्यमंत्री, उस व्यक्ति का पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बयान था, कार्यवाहक मुख्यमंत्री का बयान था, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, इनको ये ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमने दलितों का वंचितों का बहुत चिंता किया, ये वही कांग्रेस की सरकार है। जब पंजाब में दलित बच्चों का, दलित विद्यार्थियों का पैसा जो है लूट के खा गई सरकार, उस पे कांग्रेस ने अपने मंत्री को बदलने तक का साहस नहीं किया, मंत्री को हटाया तक नहीं किया, बल्कि इनकी सरकार उसकी लिपा पोती करती आई है। अगर ये इतनी चिंता कर रहे हैं दलित समाज की, तो आज ये टीवी चैनल पर बैठे बैठे प्रवक्ता है पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे कि 2022 में मुख्यमंत्री जो है दलित होगा पंजाब का कांग्रेस का, ये ऐलान करें ना, ये बोले तो सही, क्यों नहीं बोलते उस बात को लेके। अभी 6 महीने के, ये 6 महीने बाद पंजाब में चुनाव होगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये 6 महीने में दलित और वंचित समाज के साथ पहले भी ठगी करके आए, और फिर ठगने के लिए इन्होंने उठा के एक जो है दलित चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये होना क्या, पंजाब में इनको खुद पता है कि ये सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। ठीक, चरणजीत जवाब दे देता हूँ इनका, दलितों के ठगने का काम कर रहे हैं, और बाद में जब हारने की बारी आएगी तो ये लिपा पोती सारी जो है दलित समाज के ऊपर डाल देंगे, कि एक दलित नेता के ऊपर डाल देंगे कि चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया इसलिए हम चुनाव में हार गए। तो ये अपने स्टैंड तो क्लियर करें, दो बात का मेरे को जवाब दे दें, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर राष्ट्रद्रोह के और पाकिस्तान से मिले हुए का मिले हुए और इमरान खान से नजदीक, बाजवा के नजदीकी, और देश को खतरा नहीं बताया कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, मौजूदा मुख्यमंत्री ने उस टाइम के, और क्या ये दलित मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करेंगे अगली बार? ये दो ठीक है वसीम साहब, जवाब लेंगे रत्नाकर सिंह साहब से, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी अमल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपके पास ही आएंगे। दो बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसीम राजा साहब ने किया है। पहला सवाल तो ये कि जो आरोप लगाए गए सिद्धू साहब पर कैप्टन द्वारा, उनका खंडन या उनका जवाब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना चाहिए। दूसरा, दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है जी। देखिए, शायद भाई मेरे भूल गए हैं कि इन्होंने हालिया में अभी क्या किया है, हाले मतलब अभी जो चार राज्यों में इन्होंने जो मुख्यमंत्रियों को बदला है, तो वो बदल के क्या वो जो मुख्यमंत्री वर्तमान में उस समय के मुख्यमंत्री थे उनको क्या इनाम दिया है कोई? अरे वो चारों मुख्यमंत्री आपके नाकारा थे, पांच मिनट का खाली समय है, बस तीन बातें हैं, जवाब दे देता हूँ, उसके बाद ये बोलेंगे।
देखिए वसीम भाई शायद भूल गए हैं कि अभी हाल ही में 6 महीने के अंदर 4-4 मुख्यमंत्रियों को ये बदल देते हैं, तो इनके मुख्यमंत्री जो है कितने अगर अगर सक्षम होते तो क्यों बदले जाते। तो ये 4 नकारा मुख्यमंत्रियों को इसलिए इन्होंने बदला है क्योंकि ये जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हम नए चेहरे के साथ आए हैं, नए लोग आपका अच्छा काम करेंगे, तो ये पहले अपने बारे में सोचें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कोई भी फैसला होता है वो विधायक दल जो विधायक जो होते हैं वो अपने दल के नेता को चुनते हैं। हमारे यहाँ आपने नितिन पटेल को देखा होगा कि आज तक का जब इंटरव्यू चल रहा था तो उनकी आंखों में किस तरह से आंसू आ रहे थे। यहाँ पे बोलने की आजादी है, आप चाहें तो हाईकमान के लिए भी बोल सकते हैं, आप अपनी आप भावनाओं को सोशल मीडिया या मीडिया के सामने दे सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनके यहाँ पे पहली बार का बना एमएलए चुना हुआ है एमएलए और पहली बार ही मुख्यमंत्री बना दिया जाती है। क्यों? क्योंकि हुक्मरान बैठे हुए हैं मोदी और शाह ऊपर, उन्होंने आदेश दिया और ये जो मुख्यमंत्री बन गए भूपेंद्र पटेल जी, और किशोर नितिन पटेल की आंखों में आंसू थे, सब लोगों ने देखा इसका, तो कहां पे लोकतंत्र है और कहां पे डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, ये जरा मुझे ये मेरे भाई भाजपा के बता देंगे। रही बात तीसरी दलितों की, तो दलितों के बारे में ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे, दिल्ली के 9 साल की बच्ची की का जो बलात्कार हुआ और उसको 12 बजे रात को मार दिया गया, ले जाके शव को जला दिया गया और उसके माँ बाप को थाने में बिठा दिया गया, और वहां पे दिल्ली में किसके पुलिस प्रशासन है? तो आप पहले अपने गिरबा में क्यों नहीं झांक रहे हैं? हाथरस की बेटी याद तो होगी आपको, आप भूले नहीं होंगे, दलित की ही बेटी थी हाथरस की, और वो उसको भी पेट्रोल छिड़क के और आधी रात को बिना माँ बाप के परमिशन के जला दिया गया, तो आपने क्यों नहीं होगी जी का मुख इस्तीफा ले लिया? आपकी बात आ गई, आपने सवालों का जवाब नहीं दिया, ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दिया है। अमल आपके पास आएंगे, अमल क्या लगता है कि जिस तरीके से आज सीएम चेहरा क्लियर हो गया है, अब बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस का खेल अब खत्म हो गया है या कांग्रेस के अंदर अब खेल शुरू हो गया है? क्योंकि अगर अध्यक्ष पंजाबी तो मुख्यमंत्री तो किसी और, जिस तरीके से हिंदू का जिक्र किया जा रहा था या कोई अन्य समुदाय का जिक्र किया जा रहा था, आ सकता था जी। बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बोला है ये यकीनन अपनी बात को कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करता है, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है ये भी साफ तौर पर नजर आता है। चरणजीत सिंह चन्नी का जिस तरीके से नाम निकलकर सामने आया है ये जल्दबाजी में निकला हुआ फैसला ही निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही जो घटनाक्रम बीत रहा था सुखजिंदर जी का भी नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा था। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बहुत बेहतरीन बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने की आज़ादी है, तो फिर यदि अगर आपकी पार्टी में बोलने की आज़ादी है तो फिर सुखजिंदर जी का बयान अभी तक किसी ने सामने क्यों नहीं सुना, और क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में उनको पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देगी जब कैबिनेट का रिशफल होगा? सर रत्नाकर सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बातें आवाज क्लियर नहीं आ रही है जरा। सर देखिए मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपने ये बोला कि मेरी पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, और आपने दूसरी पार्टी के लोकतंत्र और उनकी कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल या निशान खड़े करे। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था मुंबई के अंदर जिस तरीके से एक महिला के साथ निर्भया जैसी बर्बरता बरती गई थी, वहां पर भी आपके ऊपर सवाल या निशान खड़े होते हैं क्योंकि आप उन उस पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं गठबंधन में हैं, ठीक है, वो एक पहला सवाल है, उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि लोकतंत्र यदि अगर पार्टी में है तो सुखजिंदर जी जिनका सुबह से नाम निकलकर सामने आ रहा था, क्या आगे चलकर उनका भी किसी तरीके से बयान हम सुन सकते हैं, और यदि अगर आने वाले समय में उनको कैबिनेट रिशफल में कोई एक बड़ी पोजिशन दी जा सकती है तो वो क्या दी जा सकती है? जी सर, पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूँ, समय बहुत कम है जी सर। देखिए अभी ये साकिनाका में जो 32 साल की जो औरत है उसको जो मारने की घटना हुई थी, तो उसमें मैं पहले से बता दूं कि महाविकास आघाड़ी सरकार इस तरह की किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी, और आपको जैसी जानकारी है कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको अरेस्ट किया, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने 48 घंटे के अंदर उस पर फैसला लिया कि हम जो है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लाएंगे और उसको ट्रायल जो होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे होगी और उसकी सुनवाई 1 महीने के अंदर कंप्लीट होगी। तो ये है हमारी सरकार, कांग्रेस समर्थन जो है यहाँ पे तक पहुंची जांच की आज है, 1 महीने तक, 1 महीने के अंदर आप पूरी करने की बात कर रहे हैं, जांच की आज कहाँ तक पहुंची है? पूरी बात ठीक है, ये बात सभी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप हाथरस का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको तमाम सारे राजस्थान का जिक्र भी करना चाहिए और वहाँ पर भी जाना चाहिए। खैर ठीक है,
आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से दिन भर ये सियासत तेज रही है, सियासी बाजार गर्म रहा है कि आखिर पंजाब की कमान किसके कंधों पर सौंपी जाएगी, तो अब वो क्लियर हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कांग्रेस का सियासी खेल खत्म हो गया है या सियासी खेल दरअसल अब असल में शुरू हुआ है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।